हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 25 हमें दे रखा है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। कोई हमारा सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। विच आर इनक्लीन ईच ऑफ अदर एट 60 डिग्री। जो बाहर से इसके टेंजेंट ड्रॉ की गई है, इस तरीके से ड्रॉ की गई है कि वो इस पर कितने डिग्री का एंगल इंक्लीन करती है, 60 डिग्री का। ऑल्सो जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन होगी वो भी हमें जस्टिफाई करनी है। देखो, अगर हमारा ये सेंटर है, सेंटर जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, मैं इसके टेंजेंट वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ रेडियस के साथ, तो रेडियस इसके लिए मैं यूज़ करूँगा सर्कल की प्रॉपर्टी, तो ये इसके साथ बनाती 90 डिग्री का रिलेशन, ठीक है। और इन दोनों के बीच में बनने वाला जो रिलेशन होता है, सप्लीमेंट्री रिलेशन होता है। अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, ये 50 है तो ये 130 होगा। दोनों का सम कितना होगा, ऑलवेज 180 डिग्री होता है, ठीक है। इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए कि टेंजेंट हमेशा सर्कल पे क्या बनाती है, परपेंडिकुलर, जिसको हमने थ्योरम 10.2 में प्रूफ किया था, इसकी हेल्प से हम यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे और आखिरी में उसको जस्टिफाई भी करेंगे। तो देखो, बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको कंपास लेना है और कंपास में 6 सेंटीमीटर का बोला गया है, 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करना है। तो मैं 6 सेंटीमीटर का कंपास को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, करने के बाद ये हमारा सेंटर होगा। कहीं पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेंटर से लाइन ड्रॉ कर ली। मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर रिलेशन होता है 90 डिग्री का, तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दूंगा, जो हमारी रेडियस आई है। अब 90 डिग्री का एंगल बनाने का तरीका, इसे सेंटर मानते हुए, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ की, जहाँ से लाइन की शुरुआत की है ये हमारा जीरो, उसको कम ज़्यादा नहीं करना, उतना ही रखना है। पहला एंगल 60 डिग्री का, दूसरा 120 का, फिर 60 से आर्क लगानी है और 120 से आर्क लगानी है, ये बन जाएगा हमारा 90 डिग्री का एंगल। इन दोनों पॉइंट को हमें जॉइन कर देना है, ये दोनों पॉइंट आ गए हमारे, मैंने इनको जॉइन कर दिया। अब यहाँ सेंटर पे बनने वाला जो एंगल हमारा वो 120 डिग्री का है, तो कंपास की हेल्प से अगेन 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ मैंने सेंटर रखा, सेंटर की हेल्प से ये मैंने आर्क लगा दी। जो पहला एंगल होगा हमारा 60 डिग्री का, इसी पे रख के अगली आर्क लगानी है, ये हो जाएगा 120 डिग्री का। तो इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे इसके साथ, ये बन जाएगा हमारा 120 डिग्री का एंगल, क्लियर है। इसको नाम दे दो ओ, इसको नाम दे दिया ए। अब जो ये वाला पॉइंट हमारा, इस पर भी हम 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, क्योंकि ये क्या बनाता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है टेंजेंट। तो मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे आर्क ड्रॉ की, ठीक है। कंपास को आपको कम ज़्यादा नहीं करना, जहाँ से लाइन की शुरुआत की है वहीं से आर्क लगानी 60 डिग्री, ये वो 120 डिग्री का। अब 60 से आर्क लगाओगे और 120 से आर्क लगाओगे, ये बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये हमारे दोनों पॉइंट आ गए, ठीक है। आने के बाद ये हमारी दोनों टेंजेंट हो जाएगी, इसको नाम दे दें, जैसे कि मैंने पी, ये हमारा हो गया बी, ये 90 डिग्री होगा, इनके बीच में बनने वाला एंगल होगा ये होगा 60 डिग्री। तो इसको डी से हम वेरीफाई कर लेते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे पी पॉइंट को यहाँ रखा हुआ है, ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली कितने का जा रहा है, 60 डिग्री का एंगल निकल के जा रहा है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 60 डिग्री का एंगल। अब इसको जस्टिफाई भी कर लेते हैं कि ये 60 डिग्री का बना है या नहीं बना है। इसके जस्टिफिकेशन में यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो, हमारे ये बन गए एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल, मैंने लिखा इन क्वाड्रिलेटरल पी बी ओ ए, इसमें चारों एंगल का जो सम होगा वो होगा कितना, 360 डिग्री। तो यहाँ लिखा मैंने P प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल A, इन सभी का सम 360 डिग्री। एंगल P मैंने एज इट इज रहने दिया, B हमारा 90 डिग्री, एंगल O हमारा कितना है 120 डिग्री,
एंगल ए ये भी हमारे कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, इज इक्वल टू 360। एंगल पी इनको ऐड करेंगे 180, 300 इज इक्वल टू 360। प्लस का है दूसरी तरफ किसका हो जाएगा, माइनस का, तो एंगल जो पी होगा वो हमारा एग्जैक्टली 60 डिग्री का ही बनेगा यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पे जस्टिफाई किया है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।